आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। बुद्धि विनायक भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ या शुभ काम बिना भगवान गणेश की पूजा कर या आरती उतारे शुरू नहीं की जाती। गणपति जी को प्रथम पूज्य देवता की उपाधि प्राप्त है, इसलिए हर शुभ कार्य में सबसे पहले उन्हें याद किया जाता है। वही शास्त्रों में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा कर उनकी कृपा पाई जा सकती है। मान्यता के अनुसार बुधवार के दिन विधिनिहिरता भगवान गणेश की पूजा करने से विशेष लाभ होता है। गणेश जी के आखिरी अवतार का नाम धूम्रवर्ण है। इस अवतार की उत्पत्ति अहंतासुर नाम के दैत्य से देवताओं समेत पूरे ब्रह्मांड को मुक्त कराने के लिए हुई थी। अगर आप बुद्धि के दाता भगवान गणेश की आराधना करते हैं और अगर आप एक दंत भगवान गणेश के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश देवा लिखना न भूलिए। अद्भुत बुद्धि प्रदान करने वाले धूम्रवर्ण गणेश भगवान गणेश का एक प्रमुख रूप है, जिनका रंग धूम्र, जिसे अंग्रेजी में स्मोकी कहा जाता है, होता है। वे आम तौर पर धूम्रवर्ण या आसमानी रंग के होते हैं और इसलिए इस नाम से जाने जाते हैं। धूम्रवर्ण गणेश के मंत्र का जप करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और सफलता की प्राप्ति होती है। उन्हें भक्ति, विवेक और अद्भुत बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। धूम्रवर्ण गणेश को संगीत, कला और साहित्य के क्षेत्र में भी सफलता प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं कि भगवान श्री गणेश ने धूम्रवर्ण का अवतार क्यों व कैसे लिया था। भगवान श्री गणेश के वैसे तो कई अवतार हैं। धूम्रवर्ण अवतार में आकर भगवान श्री गणेश ने अभिमानासुर का सहार किया। यहाँ विशेष बात यह है कि भगवान श्री गणेश के धूम्रवर्ण अवतार का वाहन भी मूषक ही है। धूम्रवर्ण अवतार से जुड़ी एक प्रचलित कथा से पता चलता है कि एक बार लोक पितामह ब्रह्मा ने सूर्य को कर्माध्यक्ष पद प्रदान किया। राज्य पद प्राप्त करते ही सूर्य देव के मन में अहंकार हो गया और संयोगवश उसी समय उनको छींका गई, जिससे अहंतासुर का जन्म हुआ। वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य से गणेश मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर तपस्या के लिए जंगल गया। जंगल में अहंतासुर उपवास पूर्वक भगवान गणेश का ध्यान तथा जप करने लगा। सहस्त्रों वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने अहंतासुर से कहा कि वे उसकी तपस्या से संतुष्टि है और उसे इच्छित वर मांगने को कहा। अहंतासुर ने उनसे संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज्य, अमरत्व, आरोग्य तथा अजय होने का वर मांगा। भगवान गणेश तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। भगवान श्री गणेश से आशीर्वाद प्राप्त कर अहंतासुर वापस लौटा और असुरों के गुरु शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम किया। अपने शिष्य की सफलता का समाचार प्राप्त कर शुक्राचार्य काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने संपूर्ण असुरों को बुलाकर उसे दैत्यों का स्वामी बना दिया। इस अवसर पर दैत्यों ने अद्भुत महोत्सव मनाया। विश्वप्रिय नामक नगर में अहंतासुर सुखपूर्वक निवास करने लगा। उसे सर्वाधिक योग्य पात्र समझकर प्रमदासुर ने अपनी सुंदर कन्या उसके साथ ब्याह दी। कुछ दिनों बाद उसे गर्व और श्रेष्ठ नामक दो पुत्र हुए। जानकार विद्वानों के अनुसार अनेक जगहों पर इस बात का उल्लेख मिलता है कि परिवार बसने के बाद एक दिन अहंतासुर ने अपने ससुर की सलाह और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर विश्व विजय के लिए प्रस्थान किया। असुरों के द्वारा भयानक नरसंहार किया जाने लगा। सर्वत्र मार काट मच गई। इस प्रकार पृथ्वी अहंतासुर के अधिकार में हो गई। फिर असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवताओं की तरफ से भगवान विष्णु युद्ध करने आए, किंतु वह भी पराजित हो गए। सर्वत्र अहंतासुर का शासन हो गया। देवता, ऋषि, मुनि पर्वतों में छिपकर रहने लगे। धर्म कर्म नष्ट हो गया। अहंतासुर देवताओं, मनुष्यों और नागों की कन्याओं का अपहरण कर उनका शील भंग करने लगा।
सर्वत्र पाप और अन्याय दिखाई देने लगा। जब देवतागण इस उत्पात से परेशान हो गए और चारों ओर से उन्हें निराशा हाथ लगने लगी, तो सभी ने भगवान शंकर एवं सृष्टि के रचने वाले भगवान ब्रह्मा की सलाह से भगवान श्री गणेश की उपासना करनी शुरू की। 700 वर्षों की कठिन साधना के बाद भगवान गणनाथ प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं की विनती सुनकर उनका कष्ट दूर करने का वचन दिया। पहले धूम्रवर्ण ने देवर्षि नारद को दूत के रूप में अहंतासुर के पास भेजा। उन्होंने उसे धूम्रवर्ण गणेश की शरण ग्रहण कर शांत जीवन बिताने का संदेश दिया। अहंतासुर क्रोधित हो गया। संदेश निष्फल हो गया। नारद निराश लौट आए। अनेक जगहों पर इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि जब अहंतासुर ने शांति का प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो भगवान धूम्रवर्ण ने क्रोधित होकर असुर सेना पर अपना उग्र पाश छोड़ दिया। उस पाश ने असुरों के गले में लिपटकर उन्हें यमलोक भेजना शुरू कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। असुरों ने भीषण युद्ध की करने की कोशिश की, किंतु तेजस्वी पाश की ज्वाला में वे सभी जलकर भस्म हो गए। निराश अहंतासुर असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा। उन्होंने उसे धूम्रवर्ण की शरण लेने की प्रेरणा दी। अहंतासुर ने भगवान धूम्रवर्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, उनकी विविध उपचारों से पूजा की। संतुष्ट भगवान धूम्रवर्ण ने दैत्य को अभय कर दिया। उन्होंने उसे आदेश दिया कि जहां उनकी पूजा न होती हो, तुम वहां जाकर रहो। उनके भक्तों को कष्ट देने का कभी भी प्रयास न करना। अहंतासुर भगवान धूम्रवर्ण के चरणों में प्रणाम कर चला गया। देवगणों ने श्रद्धा पूर्वक धूम्रवर्ण की पूजा की तथा मुक्त कंठ से उनका जयघोष करने लगे। जानकार विद्वानों के अनुसार धूम्रवर्ण गणेश जी का मंत्र ओम गं ग्लौं धूम्रवर्णे नमः है और इसका जाप करने से अनेक लाभ होते हैं। यह मंत्र बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाता है, जिससे आपके निर्णयों में सुधार होता है। धूम्रवर्ण गणेश मंत्र का जाप करने से संगीत और कला में प्रेरणा मिलती है। इस मंत्र का जाप करने से सकारात्मकता और सफलता की ऊर्जा मिलती है। यह मंत्र भक्ति और आनंद की अनुभूति में सहायक होता है। इसी तरह धूम्रवर्ण गणेश मंत्र का जाप करने से विवेक और निर्णय की क्षमता में सुधार होता है। यह मंत्र आपको सुरक्षित और स्थिर बनाने में मदद करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपके कार्यों में सफलता मिलती है। यह मंत्र आपको उच्च विचारों और स्वप्नों को प्राप्त करने में मदद करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपका मन संतुलित और शांत होता है। यह मंत्र आपको ध्यान और आत्मसंयम स्थिति तक ले जाता है। अगर आप बुद्धि के दाता भगवान गणेश की आराधना करते हैं और अगर आप एक दंत भगवान गणेश के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश देवा लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो, तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।